अच्छा भी स्टार्ट करते हैं। किसी ने भी मुझे शेयर नहीं कराया गिटहब पे कि जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी वो सबने रन कर ली अपने पास। सर वो एग्जांपल में कुछ भी नहीं कर है। सर मैंने टीम गिटहब की तरह तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है, 0.9 बहुत अच्छा है। तो वो शेयर नहीं कराया तुमने? जंगल पे मोर नाचा किसने देखा? ये भरोसा अभी मुझे 3:30 बजे पता चल जाएगा कितना भरोसा। आधे घंटे में नहीं सर, एग्जाम में नहीं देखिएगा। हाँ आधे घंटे में जो है ना वो सारा भरोसा उड़न शुरू हो जाएगा। वो तो VGG रेस्टोरेंट यहाँ थोड़ी, वो तो उसमें कंप्यूटर विजन में मजबूत तो लिखेंगे बाद में। एमनेस्ट अभी हमने न्यूरल नेटवर्क के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से किया, जब एमनेस्ट हम करेंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से तब आएगा, और SMS और VGG, VCG, UGC16 सब आएगा। सिंपल न्यूरल नेटवर्क चलता है। अच्छा भाई आप पे से बताएं, इतनी बातें करने लग रहे, सबने कर लिया काम। लास्ट टाइम एग्जांपल हमने की थी, वो एग्जांपल मैंने ये कहा था आप लोगों से, गुजारिश की थी कि उसको कॉपी पेस्ट करके ही घर पे दोबारा रन कर लीजिएगा, कुछ अमेंडमेंट्स करके चेक कीजिएगा, लेयर्स बढ़ाइएगा, कम करिएगा, नोट्स कम ज्यादा करिएगा, बैच साइज बढ़ा दें कम कर दें, ईपॉक्स कम ज्यादा कर दें। तो वो किसने किया? 1, 2, 3, 4, 5 जी हैं। बेटा नहीं भी हो रहा तो बताओगे तो ना, ग्रुप पे पोस्ट कर देते, कोई ना कोई तो इतने भाई बन जाते सारे जल्दी से। हैं पोस्ट किया था ग्रुप में, मुझे क्यों नजर नहीं आया यार? तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया बेटा, उसको कोलैब पे कर लेते। क्या एरर आ रहा था अभी लाए लैपटॉप? एरर क्या था? वर्जन मैच नहीं कर रहा। आपके पास पाइथन जो है वो 3.7 इंस्टॉल हुआ होगा, उसकी वजह से होता है। आप एक और पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर लें, 3.5 या उससे नीचे का 6 कर लें, तो फिर वो एरर खत्म हो जाएगा। 3.7 में टेंसर फ्लो अपडेटेड नहीं है अभी। अब भाई ये पीसी इशू क्लास नहीं है अभी यार, अभी वैसे ही बहुत शॉर्ट टाइम। तो वो एग्जाम्पल आप लोगों ने रन नहीं करी, इसलिए मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि सब भूलभाल भी गए होंगे। यार ये ऐसी ज्यादती नहीं करो अपने साथ। सिद्धार्थ इन सब के घरों के एड्रेस ले लो भाई, घर पे चल चल के इनको काम कराएंगे।
एक काम और भी दिया था आप लोगों को मैंने, कोड रन करने के अलावा टेस्ट की तैयारी, और दूसरा एक टॉपिक हमने स्किप किया था वन हॉट रिकॉर्डिंग का, मैंने कहा इसमें टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट था उस वक्त कि हम इसको जो है वो अगली क्लास में कवर करेंगे। और ये आया कहाँ पे था हमारे पास, दिस इज द पार्ट, ठीक है। वन नॉट एनकोडिंग क्या चीज होती है कि जब यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर जब अपने सिस्टम को डेटा के साथ लेबल भी दे रहे हैं तो लेबल हमारे पास न्यूमेरिक पे है, राइट। तो न्यूमेरिक लेबल जब उसको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो ऑर्डिनल होती है, क्या होती है ऑर्डिनल, क्या चीज होती है डिपेंडेंसी नहीं कहेंगे इसको, ऑर्डिनल है, एंड ऑर्डिनल मींस दैट कैन बी अरेंज इन एन ऑर्डर। अगर आपके पास 10 नंबर लिखे हुए हो और आप सबको ये कहा जाए कि यार इन 10 नंबरों को क्या कर लिया जाए, अरेंज कर लिया जाए, तो आप सब लोग जो है ना उसे अरेंज कर लेंगे किसी ना किसी बेसिस पे, राइट। और वो नेचुरल बेसिस क्या होगी, या वो असेंडिंग में होंगे या वो डिसेंडिंग में, आप अरेंज कर लेंगे, वो सबकी अरेंजमेंट मैच भी करेंगे। कोई आप में से ऐसा नहीं होगा जो ये कहना शुरू कर देने यार 6 जो है वो 5 से बड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको पीछे रखा, ऐसा होगा क्यों, वी कैन मेक कंपैरिजन इन द ऑर्डिनल वैल्यूज। ये बात समझ आती, हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं नंबर्स में ऑर्डिनल वैल्यूज में से, राइट। लेकिन दूसरी टाइप ऑफ वैल्यूज होती हैं जो नॉमिनल होती है, क्या होती है नॉमिनल वैल्यूज होती हैं, इनके दरमियान कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको अभी एक एग्जांपल में तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, आपको अगर जो है एप्पल्स दे दिए जाए, बनानास दे दिए जाए, ऑरेंजेस दे दिए जाए और कहा जाए कि अरेंज करें, सब कुछ सेट दे दिया जाए, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हर आदमी का सेट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अच्छा अगर आपसे पूछूं भी क्यों रखा है आपने, तो आपके पास कोई नेचुरल रीजन नहीं हो सकता, कोई ऑर्डिनल रीजन नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे बात। तो अब ऐसी सूरत में जब हमारे पास थिंग्स जो है वो ऑर्डिनल हो, हम अपने मॉडल को ऑर्डिनल नहीं देंगे, क्योंकि मॉडल बायस हो जाएगा, ऑर्डिनल के अंदर बड़ा छोटा समझने लगेगा। हमने मॉडल को क्या बताना है, हमने सिर्फ मॉडल को ही बताना है कि इसका नाम डिजिट 5 है, हमने मॉडल को ये नहीं बताना कि डिजिट 5 जो है वो 6 से बड़ा है छोटा है, या जो 9 डिजिट आया है ये 1 से बड़ा है, या जो 3 आया है वो 6 से छोटा है। अगर हम उसको एज इट इज दे देंगे तो वो ये कंपैरिजन शुरू कर देगा, लर्निंग तो कर रहा है ना, सियाणा है, ठीक है, रूल्स बना रहा है, वो उसकी रूल्स में ना घुस जाए। तो हम क्या करेंगे, अपने लेबल्स को इनकोड कर देंगे, और इनकोड करने के बाद क्या होगा उसको पता नहीं होगा इनकोडिंग ये कैसे हुई है, ठीक है। इस इनकोडिंग को क्या कहते हैं, वन हॉट इनकोडिंग कहते हैं, इनकोडिंग एक तरीका है वन हॉट इनकोडिंग जो अभी हम यहां पर देखने वाले हैं। अच्छा ये अब मैं यहां से दिखाता हूं, तो बस शुक्ला वाली बुक है भाई, हाँ रिप्रेजेंटेशन है, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये, क्योंकि इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है कि अभी तो हमारे लेबल क्या है इंटीजर है, इंटीजर भी तो गड़बड़ है, तो बुक का नाम क्या था, टेंसर फ्लो की बुक है, ये नहीं है मशीन लर्निंग, चल छोड़े। तो मैं इसको यहां से अब इस डायग्राम को ले लेते हैं,
राइट सही नहीं आता लैपटॉप। अच्छा जी लेबल इनकोडिंग फूड नेम एप्पल चिकन क्या है ब्रोकली क्या होता है खाते नहीं हम लोग सब्जियां एप्पल चिकन और ब्रोकली ब्रूसली लिखा हुआ ब्रूसली अबे यार ब्रूसली है या जो है ना वो जैकी चैन है। अच्छा अब ये तीनों जो है वो कैसे ऑर्डिनल ऑर्डिनल नहीं कैसे ये नॉमिनल ठीक है। अब इनकी कैटेगरी क्या है 1 2 3 कैलोरीज क्या है इसमें इतनी इतनी कैलोरीज है हमारे पास डेटा है ये हमारे पास क्या है डेटा है। अब हम जब इसकी इनकोडिंग करेंगे इनकोडिंग करते वक्त सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारी वोकैबुलरी कितनी बड़ी है क्या चेक करेंगे तो कितने एलिमेंट है हमारी वोकैबुलरी 3 एलिमेंट है इसका मतलब 3 का वेक्टर बनेगा हर एलिमेंट के लिए जितनी बड़ी वोकैबुलरी है उतना बड़ा सेट ऑफ वेक्टर जो है वो बनेगा। अगर यहाँ वोकैबुलरी 10 होती तो एप्पल के लिए सेट ऑफ वेक्टर कितना होता 10 होता ठीक है। अगर यहाँ वोकैबुलरी 50 की होती तो हर एक के लिए वेक्टर कितना होता 50 का होता ठीक है। तो अब ये एप्पल का वेक्टर बनाया ना वर्टिकल ठीक है तो जब वो एप्पल होगा तो उस वेक्टर की पहली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है बाकी सारी पॉसिबिलिटीज वहां पर क्या है 0। अच्छा जब वो चिकन होगा तो एप्पल क्या है 0 है और चिकन क्या है 1 है और ब्रोकली क्या है 0 है। जब वो ब्रोकली होगा तो 0 एप्पल 0 है चिकन 0 है और ब्रोकली क्या है 1। अच्छा यस नहीं स्टेप फंक्शन अलग चीज है नहीं नहीं वो और चीज है यार गलत जगह मिला रहा। अच्छा नहीं बताता हूँ अब तुम्हारे सवाल का जवाब यहां मिल जाएगा। आपके पास लेबल्स हैं और लेबल में आप पहले चेक करें वोकैबुलरी कितनी है यानी क्लासेस कितनी है 3 क्लासेस है रेड येलो और ग्रीन। आपने वेक्टर बनाया कितने का वेक्टर बनेगा 3 का बनेगा रेड को अगर पहला वेक्टर रेड के लिए है तो रेड की पोजीशन क्या है फर्स्ट पोजीशन में 1 दिया बाकी 0 हो गए। दूसरा जो लेबल आ रहा है वो भी क्या है रेड का दोबारा 1 क्या है और ये 0 है। तीसरा लेबल किसका है येलो का येलो में रेड क्या होगा ग्रीन क्या होगा येलो 1 है इस तरह येलो पे आ जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और ग्रीन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा ये अब नीचे वाले येलो का अभी नजर नहीं आ रहा है इमेज नीचे कट आउट किया हुआ है तो वो आपके पास बन जाएगा। अच्छा हमारे पास अब ये सिंपल है 1 आउट इनकोड बनाना। अच्छा यहां पर एक इसके बारे में आर्टिकल पोस्ट हुआ हुआ है व्हाट इज 1 इनकोडिंग 1 आउट इनकोडिंग एंड व्हेन डू यू हैव टू यूज इट क्या है और कब हमें यूज करना पड़ती है ठीक है। तो ये 1 आउट इनकोड हुआ हुआ ये आपके लेबल्स हैं ये जरा सब लोग पढ़ें। सब लोग पढ़े भाई बार बार आती है ये
तो वन वर्ड इनकोडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट कुड बी प्रोवाइडेड टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू डू अ बेटर जॉब इन प्रिडिक्शन. ठीक है, इस ऐसी फॉर्म में कि प्रिडिक्शन जो है वो क्या हो सके, बेहतर हो सके, उस फॉर्म में जो है वो आप मॉडल को जो है प्रोवाइड करते हैं. उसको भी दे सकते हैं, उसको भी ये देखें रेड ग्रीन ये आपने दिए हुए यहां पर. ठीक है, ये इसके तीन वेक्टर जो है वो बन गए. अच्छा जी, अच्छा हमारे पास अब ये काम होता कैसे, ये करेंगे कैसे, ये आप मैनुअल पाइथनिक कोड भी लिख सकते हैं. और वैसे हमारे पास जो है वो क्या हुआ हुआ यहाँ पर एक टू कैटेगरिकल की एक क्लास है जिसको क्या किया हुआ यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है केरस डॉट यूटीआई के पैकेज से और उसका यहाँ पर ये फंक्शन यूज किया हुआ है टू कैटेगरिकल ट्रेन लेबल्स हमने इसको प्रोवाइड किए. रिटर्न में हमारे पास क्या आ जाएंगे इनकोड हुए हुए लेबल्स जो भी आ जाएंगे. टेस्ट लेबल्स को भी हमने क्या किया हुआ है कैटेगरी को पास किया, ये बना हुआ फंक्शन है पीछे, ये क्या कर रहा है हमारे डेटा को कन्वर्ट कर रहा है वन हॉट इनकोडिंग के अंदर. अच्छा, इसके ऊपर काफी डिटेल मौजूद है ये आर्टिकल्स मशीन लर्निंग मास्टरी पर या हैकर नून पर, काफी सारे आर्टिकल्स जो है वो आसान जबान में बिल्कुल पोस्ट हुए हैं. तो आप उन्हें मेन आइडिया तो ये है जो मैंने आपको बता दिया है. डेटा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क में डेटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है वो बता सकते हैं, किस तरह होता है, टेंसर्स की शक्ल में होता है. ठीक है, मैट्रिक्स या टेंसर्स की शक्ल में जो है वो न्यूरल नेटवर्क में डेटा जो है वो मैनिपुलेट और काम किया जाता है उससे. टेंसर्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास टेंसर है वो जीरो डायमेंशनल टेंसर है. जीरो डायमेंशनल टेंसर, इन्होंने कहा वेक्टर, इन्होंने कहा स्केलर. अच्छा, अब यहां तो लिखा हुआ स्केलर, अब पता नहीं इन्होंने इसको देखी कहा इनको बाकी. तो अभी हम उसकी तरफ चलते हैं, ये कहाँ चलाया आपने नोटबुक, एक टेंसर बनाना है. अच्छा जी, कैसे बनेगा, एनपी डॉट, अरे अब समझिएगा जरा, साथ रहिएगा इसमें. यहां पर हमने दे दिया इसको 15. ठीक है, क्या बन गया, कौन कह रहा है ये वेक्टर. अच्छा, सबसे पहले इसकी चेक करते हैं डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा भाई,
डायमेंशन डायमेंशन भूल गए हो सब तुम लोग। कितनी डायमेंशन आ गई? जीरो। अच्छा अब आप में से कोई बताएगा मुझे डायमेंशन क्या बला होती है भाई? हाँ हाँ बोले सही गलत का मैंने ऑप्शन बोले दिया कि सही बोलना जो भी पता है बोले। एक्सिस जो होते हैं वो क्या होती है? डायमेंशन होती है। ठीक है तो एक्सिस होते किसमें? वेक्टर की शक्ल में होते। किसमें होते? अब ये तो कह रहे हैं कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायमेंशन ही नहीं वो स्केलर क्वांटिटी होती। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती। ठीक है तो जीरो डायमेंशनल जो टेंसर है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा आपके ख्याल में स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट नंबर 10, 12, 15 कोई ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेसेस कुछ लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। क्या आ गया यहां पर? 15। अच्छा अभी क्या है हमारे पास? हमारे पास यूं हो जाए कितनी डायमेंशन आएंगी भाई? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन आएगी। ठीक है डायमेंशन कितनी है? वन। शेप कितनी आएगी? कौन बोला ही? वेरी गुड। हाँ भाई शेप 1.6 बोल भाई 6, हाँ भाई नहीं खेल नहीं खेलूंगा जी 6, अच्छा क्यों 6 क्यों आया भाई? अभी आ रहा हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर। हाँ भाई ये वेक्टर है और हमने पढ़ा था नंपाई के अंदर जब कोई वेक्टर होता है तो वेक्टर की जो शेप होती है वो जितने उसके एलिमेंट्स हैं और कॉमा। ठीक है लेकिन अगर यही काम कुछ भी ना हो और यूं हो जाए अब इसकी डायमेंशन क्या होगी? टू। टू होगी डायमेंशन। अब मोहम्मद अली तुम बताओगे शेप क्या होगी भाई? समझ में आ रहा है मुझे बस जी 1.6 क्योंकि अभी टू डायमेंशन हो गया ना इसमें एक्स एक्सिस भी आ गया और वाई एक्सिस भी आ गया और अब ये एक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रॉ है और 6 है 1.6 हो गया। अच्छा तो फिर अब कितने डायमेंशन हो गई? 3 और शेप क्या होगी है? 3 हो गए। अब तो वैल्यूज 3 ही आएंगी। डेप्थ कितनी है? 1.1 चेक कर लें। अभी 3 हो गया ना अब ये टेंसर 3 टेंसर हो गया। ठीक है अभी फ्रेम 1 है
ठीक है, और फ्रेम बढ़ा दूंगा तो फिर क्या हो जाएंगे ये, डेप्थ बढ़ा दूं अगर तो फिर ये हो जाएंगे टू, अपना डेप्थ बढ़ जाएगी 216 हो जाएगा है। अच्छा एक और डायमेंशन बढ़ाने के लिए मैं ये कर लेता हूँ, कितनी डायमेंशन बनानी, सही हूँ, फोर डायमेंशनल, और शेप क्या होगी इसकी जो भी हमने दी है, और इसको प्रिंट करा लें तो क्या हो जाएगा, राइट ठीक है, वन बाय वन के। अब आप डायमेंशन को चेक कर लें कितनी बन रही है मैट्रिक्स, पहली वाली 3 by 3 by 3 3 by 3 ठीक है, और 3 by 3 के दो सेट, और दो सेट के पीछे कितने सेट, 4 सेट। अच्छा अब ये डायमेंशंस, ये 4 डायमेंशन होता कैसा, देखा किसी ने कैसा था, फिजिकली कैसे हो जाएगा, परेशान हो क्या दिख लिया। अच्छा उसके लिए अभी मैंने दिखाया था, हमारे पास है शायद भी आर्टिकल, अभी बुक होगा फेसबुक पे, फिर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा ऊपर ही होगा, गूगल शेयर करा दिया हमजा ने शायद, करा दिया फेसबुक, लॉगिन है, लॉगिन तो होगा लेकिन ये आर्टिकल है शेयर करा दिया है, इसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, और अच्छा लिखा हुआ है आसान जबान में और हमारे समझ में आने वाली अंग्रेजी में। लर्निंग एआई इफ यू स्टक एट मैथ टेंसर इलस्ट्रेटर्स, तो क्या है यार टेंसर क्या है, कंटेनर्स हैं ठीक है, ये आपके पास इमेजेस नजर आ रही है, वन डायमेंशनल टेंसर या वेक्टर सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, टू डायमेंशनल में आपके पास रॉ और कॉलम्स, और थ्री डायमेंशन कैसा हो जाता है क्यूब की शक्ल में जिसकी ये इमेज है, याद है इमेजेस हमने तस्वीरें देखी थी 28 by 28 फिर उसके पीछे दूसरी तीसरी। अच्छा फोर डायमेंशनल में जो इधर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो क्या किया है, इस थ्री के ऊपर क्या किए, स्टैक्स बनाए, तो वो कितने डायमेंशन हो गया, 4 डायमेंशन, और फिर इन्हीं स्टैक्स की मल्टीपल रॉज और कॉलम बनाए तो कितने डायमेंशन में चला गया, 5 डायमेंशन में चला गया, तो समझ में आ रही है कुछ फिगर, इस तरह स्टैक्स वाइज जो है वो क्या हो रही, डायमेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, डेटा को ऊपर से देखना शुरू कर दिया तो आपको वो नजर आ रहा है कि 3D है, लेकिन आप
डेटा के पहले ही रो के और पहले कॉलम के ऊपर खड़े हो जाए और फिर इधर उधर नजर डालें तो फिर आपको सारी डायमेंशन नजर आएगी। इधर खड़े हो जाए, यहाँ पे इस लाइन पे खड़े हो जाए, तो अब आपको ये वाई नजर आ रहा है, ये एक्स नजर आ रहा है, ये जेड नजर आ रहा है, और फिर इसके आगे भी कहानी चल रही है, फिर इसके ऊपर भी कहानी चल रही है, फिर इसके पीछे भी डेप्थ में कहानी चलेगी, लेकिन नहीं देख सकेंगे, लेकिन चल ठीक है। तो जीरो टेंसर्स, जीरो डी टेंसर्स या स्केलर्स, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, वही सारी बातें हैं जो भी हमने यहां पर पढ़ी हैं, कि इसका कोड भी लिखा हुआ है, स्केलर का आउटपुट आ जाएगा 5, प्रिंट कराऊं। वन डी टेंसर, ये डायग्राम भी आ रही है, उसको बनाया हुआ भी है, राइट। अभी एरे क्रिएट कराने की जरूरत तो नहीं है ना, इन सबको आता है ना। हाँ, स्केलर और वेक्टर के दरमियान जो है वो शेप के अंदर, अगर वो सिर्फ कॉमे की बात है, वैसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन शेप की बात करें यहाँ इसने समझाया भी है कि 2D टेंसर्स में क्या होता है, रिकॉर्ड है पूरे पूरे फीचर्स, और एक जो है ना उसका नाम है, तो ये सारे फीचर्स हो सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड इससे बन जाता है। तो आपके पास 10,000, 7 क्या हो जाएगा, इसमें 10,000 रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड के कितने फीचर्स हैं, 7 कॉलम्स हैं, ठीक। 3D टेंसर्स, तो इसको थोड़ा सा आप जरा तवज्जो से और पढ़िएगा, किसके अंदर, टेंसर्स के अंदर स्लाइसिंग हो जाती है, अभी हम पढ़ेंगे, हमने करी भी है स्लाइसिंग, जब हमने नंबाई पढ़ा था तो हमने 2D और 3D मैट्रिक्स की स्लाइसिस जो है की थी, डेप्थ वाइज भी की थी, अभी इसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया है, लेकिन इनको पता नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, तो ये आर्टिकल शेयर है, इसको पढ़िएगा आप लोग अच्छी तरह से ना। अच्छा, जीरो डी तो आपको समझ में आ गया, 1D आपको समझ में आ गया, ठीक है। 1D में आपके पास एक कंफ्यूजन है जिसका जिक्र यहां पर किया हुआ है, और इस पैराग्राफ में आप लोग समझने की कोशिश करें क्या कंफ्यूजन है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये एक ऊपर वेक्टर बनाया है जिसके अंदर 4 एंट्रीज है, गलती से 5 लिख दिया यहां पर, आप सोच रहे हो ये भी कोई लॉजिक हो, तो 4 एंट्रीज है, इस वेक्टर की डायमेंशन कितनी होती है, ये क्यों कह रहा है 5 डायमेंशन, जरा पढ़े तो सही। चले पढ़ लिए सबने, अब देखें होता क्या है, हमारे पास दो रेस्पेक्ट से बात हो रही है यहाँ पर, एक वेक्टर की टर्म्स में और एक टेंसर की टर्म में। देखें जितने भी वन डायमेंशनल टेंसर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसी डायमेंशन बढ़ती है तो उसको वेक्टर नहीं कहते, फिर हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर वन डायमेंशनल है तो वो क्या है, वेक्टर है, और वन डायमेंशन से जैसे ही इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, जिसे हम टेंसर का नाम दे रहे हैं। अच्छा, जब हम डायमेंशन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंसर, तो हम बात करते हैं उसके एक्सिस की, कि उसके अंदर एक्सिस कितने हैं, ठीक है। जिस तरह वेक्टर जो है वो वन डायमेंशनल टेंसर है, तो वेक्टर के एक्सिस कितने हैं, एक एक्सिस है, अगर वेक्टर यूं बना हुआ है सीधा, इसीलिए तो उसकी डायमेंशन कितनी आ रही थी, टेंसर की फॉर्म में कितनी आ रही थी,
वन आ रही है। एन डायमेंशन जब वेक्टर की निकालते हैं तो कितनी आती है डायमेंशन उसकी, वन, क्योंकि वेक्टर के अंदर एक ही एक्सिस हो गया ना। लेकिन जब टू डायमेंशनल वेक्टर होता है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है, तो डायमेंशन कितनी हो जाती है, टू हो जाती है, और थ्री डायमेंशन होता है तो थ्री हो जाती है। तो टेंसर की टर्म्स में जितने एक्सिस होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डायमेंशन कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंसर। लेकिन अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, अच्छा जब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बात करूंगा तो वेक्टर की डायमेंशन तो क्या होती है, वन होती है। लेकिन जब वेक्टर की डायमेंशन की बात करता हूं, किसी 1D टेंसर की बात करूं जो कि खुद वेक्टर है और उसकी डायमेंशन की बात करूं, तो डायमेंशन उसकी उतनी होगी जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जिस तरह यहां इन्होंने बात की, दिस वेक्टर है 5 एंट्रीज, वैसे 4 है, 5 सपोज कर दें, सो इट्स कॉल्ड अ 5 डायमेंशनल वेक्टर। क्या कहा उन्होंने, यह टेंसर 5 डायमेंशनल वेक्टर है। टेंसर कितने डायमेंशन का, 1 डायमेंशन। लेकिन वेक्टर की टर्म में बात करूं तो कितनी डायमेंशन है इसकी, 5। अभी बात समझ में आई, अगर मैं इस एग्जांपल को इन टर्म्स ऑफ टेंसर पढ़ूं तो ये 1 डायमेंशनल है, अगर मैं इसको वेक्टर की रेस्पेक्ट से पढ़ूं तो ये 5 डायमेंशनल है, राइट। डोंट कंफ्यूज अ 5D वेक्टर विद अ 5D टेंसर, 5D वेक्टर को 5D टेंसर में कंफ्यूज ना हो, वैसे हो रहे हैं फिर भी कह रहे नहीं हो, ठीक है। अ 5D वेक्टर हैज ओनली वन एक्सिस एंड 5 डायमेंशन अलोंग इट्स एक्सिस। ये जो डायमेंशन की बात हो रही है, इधर वर्ड यूज करिए अलोंग एक्सिस है, एक 3 डायमेंशनल टेंसर है, मैं यहां लिखता हूं, एक 3 डायमेंशनल टेंसर लिखा मैंने, राइट। इसकी डायमेंशन कितनी होगी भाई, 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर सिर्फ इसको कंसिडर करूं तो ये एक टेंसर का एक एक्सिस है, अभी सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूं, तो टेंसर का एक एक्सिस है तो एक एक्सिस की डायमेंशन एक ही होगी, तो इसका मतलब वो एक्सिस एक्चुअली क्या है, वेक्टर है। अब इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, 3, तो इस वेक्टर की डायमेंशन कितनी होगी, 3 होगी। इस वाले टेंसर के अंदर ये एक पार्ट जो है वो इंडिविजुअली क्या है, एक्सिस है, वो डेप्थ हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस है, एक्सिस की अपनी डायमेंशन कितनी है, 1, और एक्सिस पे क्वांटिटीज कितनी है, 4, तो एक्सिस की डायमेंशन कितनी होगी, 4 होगी, तो इसलिए वेक्टर की डायमेंशन कितनी है, 4 है। इस तरह 5 में आ जाए, ये क्या है, कॉलम है, कॉलम खुद एक एक्सिस है, वाई एक्सिस, और उसके अंदर वैल्यूज कितनी है, 5, तो इस कॉलम की डायमेंशन कितनी हो गई, 5 हो गई। ओवरऑल इस टेंसर की टर्म में बात करूं तो ओवरऑल टेंसर की डायमेंशन कितनी है, 3 डायमेंशन, ठीक है। इसलिए आगे वो लिखते हैं कि यार डायमेंशन का चक्कर खराब है, बार बार डायमेंशन का वर्ड यूज करने से कंफ्यूज है, आप इसको रैंक भी कह सकते हैं कि टेंसर के जितने एक्सिस होंगे वो उसका रैंक कहलाएंगे, जितने टेंसर के एक्सिस होंगे वो उसका रैंक कहलाएंगे, डायमेंशंस को आप वेक्टर के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो लेकिन बार बार यूज डायमेंशन ही करते हैं ये लोग। तो यहां बात आ गई, दिस वेक्टर हैज 5 एंट्रीज एंड सो इट्स कॉल्ड 5 डायमेंशनल वेक्टर। डोंट कंफ्यूज अ 5D वेक्टर विद अ 5D टेंसर। अ 5D वेक्टर हैज ओनली वन एक्सिस, 5D वेक्टर हैज ओनली वन एक्सिस एंड हैज 5 डायमेंशंस। वेक्टर हैज ओनली वन एक्सिस एंड हैज 5 डायमेंशंस अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स जिस एक्सिस पर वो है, चाहे वो एक्स पे हो, वाई पे हो, जेड पे हो। Whereas a 5D tensor has 5 axes. Tensor की बात करूंगा तो tensor में number of axes जो है dimension होती है, इसका मैं कह रहा हूँ 5D tensor इसका अंदर उसके अंदर axes कितने होंगे? 5 axes होंगे. And may have any number of dimensions along each axis. और हर axis पे कितनी भी dimension हो सकती है, यानी vector वाली dimension. Axis है 5 x. अब x पे जितना लंबा x हो जाए, y जितना लंबा y हो जाए, Z जितना लंबा हो जाए, ABC
जितनी भी डायमेंशन है कितनी भी लंबी हो जाए तो उस एक्सिस के ऊपर कितनी भी डायमेंशन हो सकती है वो तो हमने देख ली। डायमेंशनलिटी कैन डिनोट इधर द नंबर ऑफ एंट्रीज अलोंग स्पेसिफिक एक्सिस। डायमेंशनलिटी ये भी डिनोट कर सकती है कि स्पेसिफिक एक्सिस पर कितनी एंट्रीज हैं, जो हमने देख लिया अभी 3 या 4 5। एंड इन द केस ऑफ अवर 5D वेक्टर और द नंबर ऑफ एक्सिस इन अ टेंसर। और डायमेंशनलिटी ये भी बता सकती है कि टेंसर में एक्सिस कितने हैं, यानी दो टर्म्स हो गई, एक वेक्टर की टर्म हो गई और एक टेंसर की टर्म हो गई। तो सच अ 5D वेक्टर विच कैन बी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, जो कि कंफ्यूजिंग होता है। इन लेटर केस इज टेक्निकली मोर करेक्ट टू टॉक अबाउट टेंसर ऑफ रैंक 5, बजाय इसके डायमेंशन ऑफ रैंक 5 वी कैन से टेंसर ऑफ रैंक 5, द रैंक ऑफ टेंसर बीइंग द नंबर ऑफ एक्सिस। रैंक क्या है, नंबर ऑफ एक्सिस है, बट द एम्बिगुअस नोटेशन 5D टेंसर इज कॉमन रिगार्डलेस। तो याद रहेगी ये बात, टेंसर की टर्म्स में बात करें या वेक्टर की टर्म में बात करें। अच्छा जी, मैट्रिक्स 2D टेंसर्स ये सबको मालूम है, अभी इसमें किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 3D टेंसर्स एंड हायर डायमेंशनल टेंसर्स, 3D और उससे आगे के टेंसर्स जो है वो ठीक है। कह रहा है बाय पैकिंग 3D टेंसर्स इन एन एरे, ये जुमला आप लोग समझाएंगे। बाय पैकिंग 3D टेंसर्स इन एन एरे यू कैन क्रिएट 4D टेंसर एंड सो ऑन। बाय पैकिंग 3D टेंसर इन एन एरे यू कैन क्रिएट 4D टेंसर एंड सो ऑन। 4D को फिर पैक कर देंगे 5D में हो जाएगा। ब्रैकेट बढ़ाते हैं, अभी मैंने किया था ना, 1 डायमेंशन था उसको मजीद वेक्टर पैक किया, 2 डायमेंशन फिर मजीद पे पैक किया, 3 डायमेंशन फिर 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन 6 डायमेंशन जितने चाहे डायमेंशन बढ़ाते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन अगर मुझे चेक करनी है और मुझे याद नहीं आ रहा कि एंड डायमेंशन फंक्शन भी होता है तो मैं ब्रैकेट काउंट कर लूंगा स्टार्ट में या एंड में, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाउ मेनी डायरेक्शन। की एट्रीब्यूट्स ऑफ टेंसर, टेंसर के की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नंबर ऑफ एक्सिस, टेंसर के नंबर ऑफ कोई ना कोई एक्सिस होंगे, तो 0D टेंसर में कोई एक्सिस नहीं हो सकता, स्केलर तो नंबर है वो किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, जस्ट नंबर इसलिए 0D है। तो पढ़े जरा नंबर ऑफ एक्सिस के बारे में, फॉर इंस्टेंस 3D टेंसर हैज 3 एक्सिस एंड अ मैट्रिक्स हैज 2 एक्सिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेंसर्स एंड डायमेंशन इन पाइथन। Python library such as NumPy. Shape के बारे में कह रहे हैं, this is a tuple of integers that describe how many dimensions the tensor has along each axis. देखिए वही word use करें जो हमने पढ़ा है। This is a tuple of integers that describe how many dimensions the tensor has along each axis. Tensor की dimension along each axis. तो असल में किसकी dimension की बात कर रहे हो? Vector की dimension की बात कर रहा है, जो axis की वजह से vector खड़े हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द प्रीवियस मैट्रिक्स एग्जांपल हैज शेप 3 5 एंड अ 3D टेंसर हैज एग्जांपल 3 3 5, अ वेक्टर हैज अ शेप विद अ सिंगल एलिमेंट सच एज 5, वेक्टर की शेप क्या होगी, सिंगल एलिमेंट होगी 5, वेयर एज अ स्केलर हैज एन एम्प्टी शेप। एम्प्टी शेप याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, स्केलर की डायमेंशन क्या होगी। डेटा टाइप हो सकती है, अभी हमने यहां डिफाइन किया था तो डेटा टाइप जो है वो डिफाइन नहीं की थी टेंसर की, लेकिन वो हम कर सकते हैं कहां पर, जैसे जीरोस बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मैं इसको यहां पर कर दूं कॉमा डी टाइप इंट 32। ठीक है, नहीं आती है इंट 32 डिफाइंड, नहीं नहीं यार पक्की बात है तो के अब ये सारी एरेज जो फ्लॉट में चल रही थी डॉट डॉट्स के साथ क्या बन गई, इंटीजर बन गई, राइट
यार खुद डालिए फिर चेक नहीं करूँ। अच्छा डेटा टाइप कैसे चेक करेंगे? एस टाइप से तो कन्वर्ट होती है यार, 1D है ना, अंडरस्कोर 1D। क्या लिखूं यहाँ पर? डॉट डॉट डी टाइप। तो हमने उसको बता दिया ना, और वो जो भी अगर वहां फ्लोटिंग पॉइंट होते वो सब डिस्कार्ड हो जाते। ठीक है जी, स्केलर के यूज होता असल में वो जो मैट्रिक्स से नेटवर्क शुरू हो रहे हैं ना, वो अभी हमारे सामने है। जाहिर है एक चीज पढ़ रहे हैं उसका मतलब इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है। अच्छा जी, टेंसर मैनिपुलेशन ये आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है नमपाई के अंदर, लेकिन नमपाई एक डरावना ख्वाब है। मैं बार बार उसका जिक्र कर देता हूँ पता नहीं क्यों, इसलिए इसको फिर देख लें। ठीक है, इन द प्रीवियस एग्जांपल वी सिलेक्टेड। अच्छा यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि ड्रेन इमेजेस हमारे पास कितनी थी भाई, याद है किसी को? 6000 थी। हमने इस 60,000 थी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल सिलेक्ट डिजिट 10 to 100, 100 इजंट इंक्लूडेड, एंड पुट्स देम इन टू एरे ऑफ शेप दिस। ये क्या हो रहा है भाई, स्लाइसिंग किया हमने। उसने कहा सिलेक्शन कहां से हो रही है, 10 से 100 तक, लेकिन 100 शामिल नहीं होगा। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर? 100 ही आएंगे ना, 10 तो इंक्लूड होगा, 10 से 99 तो 100 हो जाएंगे। तो ये स्लाइसिंग आपको आती है, ये सिंपल 90 मतलब वो आखिरी वाले फिगर की बात है असल में, 89 नहीं होंगे, 90 होंगे। तो 90 आपने स्लाइस किया तो 90 का आपकी क्या हो गया, आपकी डेप्थ 90 हो गई। इमेज साइज पे कोई स्लाइसिंग नहीं की हमने, इमेज साइज पे कोई स्लाइसिंग नहीं की हमने, तो वो 28.28 आ रहा है। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, आपने सिर्फ इमेजेस सिलेक्ट करनी थी, उसको क्रॉप नहीं करना था, इसलिए आपने इमेजेस की तो स्लाइसिंग दी, बाकी क्या छोड़ दिए, ऑल रो ऑल कॉलम्स। तो ये इक्विवेलेंट है ऊपर वाले काम के, 90.28.28। फिर उसके बाद इसी काम को करने का एक और तरीका, ने कहा चलो काम बढ़ा दें, इमेजेस तो 90 सिलेक्ट कर ली, वही बात जो यहां लिखी हुई है ऑल कॉमा ऑल कॉलम एंड ऑल रोस, उसको यहां पर यू लिख दिया 0 से 28। ये इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ 27 पे खत्म हो जाएगा, उसमें 28 पिक्सल आ जाएंगे। उन्होंने तो बाय डिफॉल्ट इक्वल रखा हुआ है, 28x28 सारी इमेजेस हमारे पास तैयार डेटा था ना। तो फिर हमें जो है ना वो सारी इमेजेस को किसी फंक्शन से गुजार के सबको एक साइज में क्रॉप करना पड़ता। अच्छा तो 0.28 इसका मतलब वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब वही है जो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, कोई एक बताए आप जरा मुझे पता चले।
जी यहाँ काम क्या किया है इन्होंने कहा ऑल इमेजेस सबसे पहले क्या कह रहे हैं ऑल इमेजेस सारी इमेज को क्या कर दिया जाए आधी काट दी जाए ठीक है और ये क्रॉप कहां से करना है मिड से क्रॉप करना है 14 पिक्सल से 14th रॉ 14 कलम दरमियान में खड़ा होगा और यूं करके काट देगा शुरू की सारी निकल गई 28 की है ना 0 से 27 तो 0 से 14 से शुरू करेगा शुरू के 14 जो है वो क्या हो गए निकाल दिया फिर चलो जी ये क्या हो रहा है सात से जाएगा अच्छा आप बता दीजिए 7 से स्टार्ट होके 21 तक जाएगा हाँ भाई सही कह रही ठीक है तो माइनस 7 का मतलब ये 27 से गिनती शुरू करेगा 27, 26, 25, 24, 23, 22 और 21. 21 तो शामिल नहीं होगा तो 21 तक तो नहीं जाएगा तो 20 तक जाएगा ना ठीक है असल में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब सवाल आता है सामने तो फिर ये इसी का फंड होता है उसमें और क्या होता कोई ये थोड़ी जाएगा 100 तक जाएगा नहीं जाएगा वो ये गया 20 तक जाएगा 21 तक जाएगा फिर आप परेशान रहेंगे यार क्या होगा अच्छा भाई तो ये तो थोड़ा टच था उस चीज का जो आपने पहले बहुत डिटेल में किया हुआ है पास नहीं हुए कोई बात नहीं किया तो डिटेल में था यार घूम फिर के बाद आया अच्छा जी बैच साइजेस अच्छा जो हमारे पास जितने भी एक्सिस होते हैं टेंसर के उनकी भी इंडेक्सिंग होती है जितने भी टेंसर के एक्सिस हैं उसकी भी क्या होती है इंडेक्सिंग होती है अच्छा जो हमारे पास जीरो एक्सिस है जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास क्या कहलाता है जीरो एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास कहलाता है अच्छा ये बात जो है वो आसान लग रही है लेकिन थोड़ी सा इसमें जो है वो समझना पड़ेगा और डिटेल में कि एक्सिस की इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं जब हम और हम ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस जीरो फर्स्ट एक्सिस जो है वो क्या होता है एक्सिस जीरो होता है क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होती है जीरो से अच्छा या सैंपल एक्सिस होता है तो अब हमारे पास जो अभी हमने एग्जांपल पिछली क्लास में किया था और आप लोगों ने घर जाके उसको नहीं किया टेस्ट की तैयारी में लगे होंगे अभी बात चल जाएगा आइए बात चल जाएगा ठीक है अच्छा अब डेटा जो है क्या बात कर रहा हूं सैंपल एक्सिस की जब मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो मेरे पास हमारे पास इमेजेस थी ठीक है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 60,000 इमेजेस है वो कितने डायमेंशनल है थ्री डायमेंशनल ठीक है थ्री डायमेंशनल अच्छा 60,000 इमेजेस है मेरे पास मैं 60,000 इमेजेस की बात कर रहा हूँ यार
मैंने क्या, मैंने कहा 60,000 जो इमेजेस हैं वो क्या है, थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। अब इस थ्री डायमेंशनल में जो फर्स्ट एक्सिस है वो कौन सा है? हाँ भाई, डेप्थ, ठीक है। फिर उसकी रो और कॉलम क्या है? उसके जो पिक्सल्स है रो और कॉलम, वो उसका सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड एक्सिस, 0, 1, 2, 3 एक्सिस हो गया। अच्छा, अब डेटा फीड कैसे हो रहा है, कौन से एक्सिस से हो रहा है? इसको कहते हैं सैंपल एक्सिस। क्या कहते हैं? सैंपल। किस डेटा की सैंपलिंग जो है वो फीड कैसे होगा? डेटा आइदर कॉलम निकल के जाएगा या रॉ निकल के जाएगा मॉडल में, ठीक है। कि डेटा जो है वो हमारा कॉलम वाइज डेटा सिस्टम में फीड होगा या रॉ वाइज होगा, कैसे होता है, कैसे होता है फीड? हमारे पास इमेजेस थी, सुने पहले, हमारे पास इमेजेस थी एक के पीछे एक, हमने इमेज को क्या किया था, रीशेप किया था और हर रॉ को उठाया था 28 28, कैसे उठा रहे, रॉ उठाई थी कॉलम उठाई थी, रॉ वाइज उठा के हमने वेक्टर बनाया था। तो डेटा जो फीड हो रहा है वो हमारे वाले केस में कैसे हो रहा है? रॉ वाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज ये हो सकती है कि मेरे पास, मैं डेटा को थोड़ा प्रोवाइड करूं, एक्सिस चेंज कर लूं, एक्सिस क्या कर लूं, चेंज कर लूं, तो अब डेटा किसके हिसाब से फीड होगा? कॉलम वाइज फीड होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, और जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो वहां पर अक्सर हमने देखा था नंपाई पढ़ते हुए आगे लिखा होता है एक्सिस 0 या एक्सिस 1। मैंने आपसे कहा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा, कम्युलेटिव सम निकालिएगा एक्सिस 0 पे या एक्सिस 1 पे। उसका मतलब क्या था कि कैलकुलेशन जो है वो चलनी कैसे, कैलकुलेशन यू करनी है या कैलकुलेशन यू करनी है। इसी तरह डेटा जब फीड होगा तो सैंपल एक्सिस एक्स अगर होगा तो एक रॉ निकलेगी, एक रॉ निकलेगी, एक रॉ निकलेगी और एक एक रॉ निकलेगी, और सैंपल एक्सिस अगर वाई होगा तो एक कॉलम निकलेगा, फिर एक कॉलम निकलेगा, फिर एक कॉलम निकलेगा, फिर एक कॉलम निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं, इन जनरल द फर्स्ट एक्सिस एक्सिस 0 बिकम बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट 0 इन ऑल डेटा टेंसर्स यू विल कम अक्रॉस इन डीप लर्निंग विल बी सैंपल एक्सिस। जो भी हमारा सैंपल एक्सिस होगा उसी एक्सिस को हम क्या कहेंगे, हमेशा 0, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एक्सिस, जो हमारा सैंपल एक्सिस है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि हमारा सैंपल एक्सिस वाई है या एक्स। अच्छा जी, तो बैचेस के बारे में आपको पता है, एग्जाम्पल में हमने पढ़ लिया था कि डेटा बैचेस जो है वो क्या होती है, हम अपने मॉडल को पूरा का पूरा डेटा एक साथ नहीं देते, या वन बाय वन इमेज देंगे या बैचेस बनाकर जो है वो उसको दे देते। हमने पिछली एग्जाम्पल में, मैंने किया था, आपने नहीं किया, ठीक है। यस, वो उसमें भी यही कर लेते हैं, हम 0 पे बन उसको सारी रॉ बाय रॉ कर देते हैं, वो यही एक्सिस वाइज कर रहे होते हैं। रीशेप करने जाता मैं इमेज को एक्सिस 0 पे एक्सिस 1 दे देता तो कॉलम उठा उठा के जो है ना वो कॉलम की तरह बना देता। अच्छा, यहां पर ये लाइन पढ़ ले जरा, एग्जाम में आएगी ये। जब मैंने टेस्ट दिया था ये सवाल गलत कर दिया था। इंफॉर्मेशन तो देना, लेकिन मेरे ख्याल में वो था कि चेंज इन प्लेस होना और चेंज जो है ना इन प्लेस ना होना। इन प्लेस ये होता है कि ओरिजिनल में चेंज हो जाए, ये मसला होता है। व्यू में ओरिजिनल चेंज नहीं होता, रीशेप में ओरिजिनल चेंज होता है। पिक्चर तो नहीं बदलती, लेकिन लेकिन मसला ये है कि पिक्चर को हम इस तरह करेंगे ना, कन्वोल्यूशन से ही करें ना, कंप्यूटर विजन से, तो वहाँ पूरी की पूरी पिक्चर चली जाती है। रीशेप का चक्कर जो है ना, वो वहाँ पर जो है ना, वो रीशेप का चक्कर खत्म हो जाता है।
ये तो अभी हम इनिशियल लेवल पे, तो उन्होंने सिखाने के लिए अभी पढ़ लिया अभी. When considering such a batch tensor, the first axis axis zero is called the batch axis. अब मसला क्या है कि मेरे पास नेटवर्क जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, उसके अंदर पूरी पूरी इमेज क्या होती है, नेटवर्क के अंदर चली जाती है, पूरा पूरा टेंसर चला जाता है. ठीक है, अब पूरा पूरा अगर टेंसर जा रहा है तो बैच ऑफ टेंसर जा रहा है. जब बैच ऑफ टेंसर जाएगा तो फिर वो सैंपल एक्सिस नहीं कहलाएगा. सैंपल में तो एक सैंपल होता है, अब यहाँ पूरा पूरा गुच्छा जा रहा है, बैच बना के जा रहा है, तो वो उस सूरत में क्या कहलाएगा, बैच एक्सिस कहलाएगा या बैच डायमेंशन कहलाएगा. ठीक है, तो इन दोनों का फर्क जो है याद रखना है. इसमें तो हमने बैच डाले हैं उसके वेक्टर बना बना के ना, पूरी पूरी इमेज नहीं डाली. हाँ, वो इमेज एक ही है, उसके बैच बनाए ना. अच्छा, भैया रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेटा टेंसर्स, ये जो 2D डेटा टेंसर है ये किस तरह की डेटा टाइप होती है या किस तरह का डेटा होता है. जैसे वेक्टर डेटा की बात करें तो वेक्टर टाइप ऑफ डेटा है. जैसे अगर मेरे पे कोई डेटा लेकर आया मुझे, तो किस टाइप का डेटा है, बोलेंगे सर वेक्टर टाइप का डेटा है. तो आई अज्यूम कि ये वेक्टर टाइप का डेटा है, इसका मतलब टू डायमेंशनल होगा, रोज होंगी और कॉलम होगा. ठीक है, रोज होंगी और कॉलम होगा. अच्छा, अगर कोई पूछा गया सर टाइम सीरीज का डेटा है, तो मुझे ये पता होगा टाइम सीरीज का ये 3D टेंसर होगा, इसमें सैंपल भी होंगे, टाइम स्टैम्प भी होंगे और फीचर्स भी होंगे. अभी ये टाइम सीरीज वेक्टर डेटा तो है, ये 2D वेक्टर है ना, 2D टेंसर है ना. ये वेक्टर डेटा ही बोल रहे हैं. अरे तो वेक्टर वन डायमेंशन होता है, वेक्टर डेटा कह रहे हैं उसको, नाम उन्होंने दे दिया कुछ 2D टेंसर कह देना, टू डायमेंशनल डेटा, टू डायमेंशनल डेटा. इसीलिए तो हर चीज बता रहा हूँ कि गौर करके देखना. असल में कितनी भी डायमेंशन हो, लेकिन हर डायमेंशन खुद भी तो एक वेक्टर ही है ना यार. तो टाइम सीरीज डेटा, इसमें तीन चीजें होती हैं, सैंपल्स होते हैं और फीचर्स होते हैं और टाइम होता है. इसकी विजुलाइज करना है तो ये कुछ इस तरह का होता है कि ये सारे फीचर्स हैं जो रिकॉर्ड होंगे किस टाइम के हिसाब से हो रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ये फीचर रिकॉर्ड हुए, फिर दूसरा फीचर, फिर दूसरा सैंपल, फिर तीसरा सैंपल, फिर चौथा सैंपल. तो इस तरह से आपके ये डेटा जो है वो कंटिन्यू चलता है. इमेजेस जो है वो आपकी 4D होती हैं. अभी आप यहाँ कहेंगे हमने 3D में इमेज पढ़ी थी, बोले जल्दी से क्यों, क्योंकि उसके अंदर चैनल क्या हटा दिए थे हमने, ग्रे स्केल इमेजेस थी ना वो. अगर कलर्ड इमेजेस होंगी तो फिर आपके पास क्या होंगे, सैंपल्स होंगे, उसके हाइट विड्थ होंगे और आखिर में RGB वैल्यू भी होगी, RGB वैल्यू भी होगी. जी हाँ, तो वो अभी मैंने थोड़ा सा डिसाइड कर लिया है कि जरा सा मैं फास्ट ट्रैक में चलूंगा, और ये खत्म करने के बाद हम जो है ना वो इमेज प्रोसेसिंग जो है वो पढ़ें, लेकिन उससे पहले ये खत्म करना पड़ेगा. वो बहुत जरूरी है क्योंकि काम असल में उसी का है, ओपन CV के थ्रू भी और वैसे भी इमेज पे जो है ना वो काम किया जाए. ठीक है, कोड के थ्रू. तो 5D टेंसर जो है वो आपके वीडियोज हैं, इसके अंदर कलर चैनल के अलावा फ्रेम्स होते हैं. वीडियो होती क्या है, कंटिन्यूअस फ्रेम्स ऑफ पिक्चर्स. तो फ्रेम्स, मल्टीपल फ्रेम्स चलते हैं पर सेकंड, पर माइक्रो सेकंड, तो वो आपकी वीडियो बन जाती है. फिर यहाँ इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, वेक्टर डेटा, टाइम सीरीज डेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है. अभी क्लास में हूँ, फिर तो मैं बेल मैसेज करता हूँ, फिर कॉल करता हूँ. ठीक है, चल ओके ओके. अच्छा जी, वेन एवर टाइम मैटर्स इन योर डेटा और द नोशन ऑफ सीक्वेंस ऑर्डर
सीक्वेंस से चल रहा है, एक के बाद अगला घंटा 12 बजे 10 बजे कितना टेम्परेचर था, 1 बजे कितना था, 2 बजे कितना था, फिर डेट आ गई फलन डेट को 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो इसके डायमेंशन ऑफ डेटा जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इमेज डेटा में ये हाइट है विड्थ है, और फिर हर हाइट एक इमेज के साथ पीछे कलर चैनल भी कितने 3 चिपके हुए, और फिर दूसरी इमेज फिर तीसरी इमेज और फिर उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। हाँ ये थोड़ी सी इसकी जो है ना वो मार्किंग करके पढ़िएगा, छोटी छोटी बातें। तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन थी, टेंसर के बारे में पढ़ा हमने, वेक्टर के बारे में पढ़ा और स्केलर्स के बारे में पढ़ा, फिर डायमेंशंस को देखा कौन सी डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट करती है ये हमने देखा। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है गियर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क टेंसर ऑपरेशंस। गियर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क के गियर्स उनको चलाने वाले कौन है, वो है टेंसर ऑपरेशंस, ठीक है। और टेंसर ऑपरेशंस, टेंसर पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, टेंसर प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन जो है वो टेंसर पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। अच्छा यहां पर ये कहते हैं कि जिस तरह कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो उसको अल्टीमेटली रिड्यूस करें तो आप आखिर में जो है रिड्यूस होके वो पता चलता है या तो एंड ऑपरेटर है या और ऑपरेटर है या नॉर ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेटर भी नहीं है। इसी तरह अगर न्यूरल नेटवर्क को भी कन्वर्स करके जो है ना वो रिड्यूस करना शुरू किया जाए तो फाइनली क्या निकलता है कि यार ये तो क्या हुआ, आखिर में टेंसर ही मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है या प्लस हुआ, ठीक है। तो इसलिए पूरे न्यूरल नेटवर्क को क्या कह रहे हैं, ये सारा का सारा है ही सिर्फ टेंसर ऑपरेशन या मैट्रिक्स मैनिपुलेशन या टेंसर मैनिपुलेशन, टेंसर इंजीनियरिंग। एक नया वर्ड तू सीवी में ऐड कर, आई एम अ टेंसर इंजीनियर। देखो धड़ाधड़ कॉल जाएंगे यार, ये कोई नई फील्ड आ गई है और ये उसमें चीता है। अच्छा जी यहां हमारे पास एक लेयर नजर आ रही है और इस लेयर को आप लोग देखेंगे, और मैंने आप लोगों से एक गुजारिश की थी कि एक लेक्चर आपको बताया था कि उसको आपने सबने सुनना है, काम करना है, हैं? शेयर नहीं किया, बताया था मैंने क्लास में। MIT का जो लेक्चर था न्यूरल नेटवर्क्स का, जी नहीं पढ़ा, बताया था मैंने। अच्छा दिखाना ही पड़ेगा, अच्छा किसी ने पूछा भी नहीं। अच्छा मान लिया, ठीक है मान लिया, हमने तो मान लिया। तो ये लेयर है आपके पास, क्योंकि आप सबने एग्जाम्पल दोबारा रन नहीं किए इसलिए आप भूल गए होंगे आई होप, ठीक है। तो अब मुझे आप वैसे कोई बताएं एक्टिवेशन के बारे में, जी इस तरह से पीछे से एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, लीनियर को नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अंदर एक चीज आगे और लिखी हुई 512, ये क्या कोड है, एक वक्त में एक बताएं, लेयर से वेट है, लेयर से हर लेयर पे इतने नोट होंगे, क्या जी पास्ते हो आए सर, बाईस सब भी ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा भाई ये लेयर है, इसके अंदर जितने भी इनपुट आएंगे सो आएंगे,
लेकिन इससे सामने वाली लेयर में कितनी नोड्स होंगी? 512 नोड्स होंगी, ठीक है। सक्सेसिव लेयर की नोड्स जो है वो कितनी होंगी? 512 नोड्स होंगी, ये बता रहा हूं। अब जो सवाल पूछा था वो जवाब नहीं दिया सर, नोट्स बोला था सर। अब मुझे लॉलीपॉप, ठीक है, ऐसा होगा कि एक लेयर का जो आउटपुट होता है वो अगली लेयर के लिए क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है। अच्छा भाई, ऐसा वाइवा में होता है ना, बच्चों सवाल करो, जब वो जवाब ले, हाँ सर ये वैसे होता है, हाँ ठीक है। मैं यही तो कह रहा था। अच्छा भाई, अब ये लेयर हो गई, सबको ये याद है भाई, मैं फिर पूछ लूं। जुलेखा वाला हाल ना, दिस लेयर कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ फंक्शन। अब इस लेयर में क्या होता है? इनपुट जाता है और आउटपुट निकलता है इसके अंदर से, लेकिन जब निकलता है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। कुछ चीजें लेयर में से क्या हो जाती है? गैर जरूरी, जिसका ताल्लुक हमारे टारगेटेड आउटपुट से नहीं होता, लेयर उनको क्या करती है? माइनस कर देती है, फिल्टर कर देती है। लेयर एक्चुअली है ही क्या? एक फिल्ट्रेशन। स्पेसिफिकली द फंक्शन इज एज फॉलोज, वेयर डब्ल्यू इज अ 2D टेंसर। यहां जो W होगा वो एक 2D टेंसर होगा। ये W क्या है भाई? सबको पता है ना, ठीक है। वेट्स हम कैसे एडजस्ट करते हैं? ये हम नहीं करते, मॉडल खुद करता है। और नहीं, वो भी अब हम नहीं देते, मशीन लर्निंग में रैंडम वेट्स को सेट करते थे, वो भी अब नहीं करते, ठीक है। एंड बी इज अ वेक्टर, डब्ल्यू इज अ 2D टेंसर, बी इज अ वेक्टर। क्या बात कह रहे हैं? वेट जो है वो क्या है? एक टेंसर है, टू डायमेंशनल, और बी जो है वो क्या है? एक वेक्टर है, वेक्टर है। बोथ एट्रीब्यूट ऑफ द लेयर, ये दोनों किसके एट्रीब्यूट है? लेयर के। किसके है भाई? लेयर के। ये क्या हो रहा है यार? ये कौन सी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या बी। कैसे? इनपुट हमारा क्या होता है? x, और m हमारा क्या होता है? w, और इनपुट m मल्टीप्लाई बाय x। मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं? डॉट से मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें कौन ऐड हो रहा है? इंटरसेप्ट बायस b। तो ये बन गया w x प्लस सी। उसके बाद नोड के ऊपर क्या अप्लाई होता है? एक्टिवेशन फंक्शन, उससे निकलती है एक वैल्यू, नेगेटिव होता है तो जीरो कर देता है, पॉजिटिव होती है तो वही वैल्यू, ठीक है। और वो क्या बन जाती है? आउटपुट बन जाती है। ये काम हर नोड पे, हर टाइप ऑफ नेटवर्क में यही काम हो रहा होता है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि पूरा न्यूरल नेटवर्क जो है एक इक्वेशन के अंदर है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं, जरूरी क्या चीज होती है उसके लिए? दोनों का ऑर्डर क्या हो, शेप क्या हो? सेम हो। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, जरूरी क्या है? दो चीजें इसके अंदर, दो चीजें इसके अंदर, दो चीजें। अगर वो मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट वाइज है, जिस तरह दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो वो यू है ना, ठीक है, वो यू है। हर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का सेम पोजीशन का एलिमेंट जो है, सेम पोजीशन के एलिमेंट से माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाए, इसको कहते हैं क्या? एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर कौन सा होता है? उसकी तरफ यहां पर आते हैं, अच्छा। अब मसला ये है कि मल्टीप्लिकेशन तो एलिमेंट वाइज है, यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो कैसी हो रही है? एलिमेंट वाइज हो रही है, एलिमेंट वाइज हो रही है। नो, अच्छा चल,
अच्छा पहले इसको पढ़े, इसको अनपैक करते हैं, क्या कह रहे हैं? रेलू ऑपरेशन लगा है, डब्ल्यू लगा है, टी लगा है, ठीक है। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। द रेलू ऑपरेशन एंड एडिशन आर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। रेलू ऑपरेशन जो हुआ है इसके अंदर और जो एडिशन का काम हुआ, ये दोनों एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है। दोबारा आ जाए इसकी तरफ, दिस पार्ट, ये पार्ट जो है वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन नहीं। इसको होने के बाद एक मैट्रिक्स आ गया और उस पूरे मैट्रिक्स के अंदर मैंने एक स्केलर क्वांटिटी ऐड कर दी, हो जाएगी? करके देखूं उसको, बहुत काम किया है मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स बनाए, उसको प्लस टू कर दे तो पूरी मैट्रिक्स प्लस टू हो जाएगी, माइनस टू कर दे पूरी मैट्रिक्स माइनस टू हो जाएगी, डिवाइड बाई टू कर दे पूरी मैट्रिक्स डिवाइड बाई टू हो जाएगी। इसी तरह उसके बी एड होने के बाद फिर एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, उस मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा दिया? रेलू लगा दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, मल्टीप्लाई टू करा दिया, जो भी फंक्शन लगा दिया, तो वो पूरी मैट्रिक्स पे क्या हो जाएगा? एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। तो ये बी का एड होना और रेलू लगना, ये दोनों कैसे ऑपरेशन है? एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है, राइट? एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता क्या है ये आपको अच्छी तरह मालूम है, ठीक है। उसके बाद एक चीज है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि अगर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होनी है और मैट्रिक्स के साइजेस जो है वो क्या है? डिफरेंट है। ब्रॉडकास्टिंग नंबर 5 भी पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंट साइज होने की सूरत में क्या होता है? व्हाट हैपेंस विद एडिशन व्हेन द शेप्स ऑफ द टू टेंसर्स बीइंग डिफर। अब मुझे ये बताएं, जब W और इनपुट मल्टीप्लाई हुआ है और मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या आया है? मैट्रिक्स आया है, उसके अंदर एड हो रहा है क्या? बी एड हो रहा है। बी क्या है? स्केलर है, स्केलर है, वेक्टर है, बहुत सारे बी है, हर नोट पे एक बी बैठा है, क्या कहते हैं, हर शाफ्ट पे। इस तरह हर नोट पे कौन बैठा है? एक बी बैठा है, पूरा का पूरा वेक्टर है। अब वो मैट्रिक्स से वो वेक्टर है, ये दोनों एड कैसे होंगे? ब्रॉडकास्टिंग से होंगे। तो व्हाट हैपेंस विद एडिशन व्हेन द शेप्स ऑफ द टू टेंसर्स आर बीइंग डिफर। दो टेंसर की शेप डिफर है, एड कैसे होंगे? तो ये कहते हैं कि अगर कोई एम्बिग्यूटी ना हो तो ब्रॉडकास्टिंग का प्रोसेस होता है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? एक्सेस कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एक्सेस आर एडेड टू द स्मॉलर टेंसर टू मैच द एंड डायमेंशन ऑफ द लास्ट टेंसर। वेक्टर की कितनी डायमेंशन है? वन डायमेंशन है। टेंसर हमारा अननोन डायमेंशन का है, फॉर एग्जाम्पल 10 डायमेंशन का है। तो ये जो वेक्टर है, यही वेक्टर अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है, और 10 टाइम्स कॉपी करेगा और उसकी इमेज के बिल्कुल इक्वल शेप में ले आएगा, ठीक है, 10 टाइम्स कॉपी करेगा और बिल्कुल इक्वल शेप के अंदर ले आएगा। इस इक्वेट करने को क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हमें नहीं करना पड़ता, ये एल्गोरिथम में खुद ही ये काम ब्रॉडकास्टिंग एडजस्ट हो जाती है, किसी भी नेटवर्क नोड पे जो है काम नहीं करना पड़ता। तो यहां समझाया हुआ है, ये हमारा इनपुट आया 32:10 का और हमारा आउटपुट एक वेक्टर शेप का है 10 कॉमा का। कैसी शेप है ये? किसकी शेप है ये? वेक्टर की। तो पहले एक एम्प्टी एक्सिस ऐड होगा वाई पर, फिर शेप बन जाएगी कितनी? 1:10। अब ये 2 डायमेंशन हो गया, देन वाई 32 टाइम्स रिपीट होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? 32:10। और फाइनली ये डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी और ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ये यहां इसका कोड भी लिखा हुआ है, टेंसर डॉट। डॉट हमने पढ़ा था नंपाई के अंदर, एक एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है और एक मैट्रिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन है, डॉट वाली, ठीक है। एलिमेंट वाइज में तो क्या होते हैं? सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करके दिखाने की जरूरत है ये? अच्छा, डॉट में क्या होता है? डॉट के अंदर शेप चेक की जाती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक किया जाता है, पहले वाले की के कॉलम्स और दूसरे वाले की रॉस बराबर होनी चाहिए। मैट्रिक क्लास में बच्चों को समझा समझा के थक जाते हैं, पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रॉस बराबर होनी चाहिए, फिर भी वो चेक नहीं करते, शुरू हो जाते हैं और आखिर में परेशान होते हैं। तो
अच्छा डॉट लेने के बहुत सारे तरीके हैं, नमपाई का डॉट फंक्शन इस्तेमाल कर लें, एनपी डॉट डॉट लगा दें और दोनों मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दें। एलिमेंट वाइज डॉट डॉट मिलता है उधर, डॉट कंफर्म है मल का मेथड है उसी, लेकिन मेरे ख्याल से एलिमेंट वाइज चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अच्छा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं एनपी डॉट बड़ी वाली, ठीक है वंस की एक मैट्रिक्स बना ली, उसके बाद उसको तेजी से मल्टीप्लाई करा दिया, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन भी आपको नजर आ गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने क्या दिया जेड और एक्स को हमने क्या दिया फोर, दो मैट्रिक्स आ गए हमारे पास ठीक है, एक्स और जेड जिनका शेप क्या है सेम शेप है। तो सबसे पहले एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये जेड है और ये एक्स है, अगर हम क्या करने चाह रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड हो जाएगा, सारे कितने हो गए 12 ठीक है ये क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है x, हम ये करने जा रहे हैं np डॉट x क्या था np डॉट डॉट x कॉमा z ठीक है, क्या हो गया भाई क्यों एरर आ गया, क्योंकि डॉट पे वो क्या चेक करता है शेप चेक करता है, और जब शेप चेक करने गया तो यहां पर क्या हो गया 2/3 और ये कितना है इसके पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रॉस के इक्वल नहीं है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई रीशेप कर दूं, रीशेप करना आता है सबको, रीशेप कर दूं किसमें 3/2 हो जाएगा, 3/2 रीशेप 2/3 3/2 हो जाएगा ठीक है। अब ये आपस में क्या हो सकते हैं डॉट हो सकते हैं, चल रनिंग रनिंग कैसे है ऊपर से करो x डॉट रीशेप सेव इसमें क्या है यही बात x इंटू जेड होगा z इंटू x होगा, z की शेप x की शेप कितनी है, x की शेप कितनी z की शेप 2/3 और x की शेप कितनी हो जाएगा नहीं होगा z x होगा, कौन सा चेक एरर क्या आ रहा है शेप्स पहली मैट्रिक्स से कॉलम नहीं ये तो z इंटरसेक्ट डॉट वाला नीचे है एलिमेंट वाले, अरे यार यहां आना है ना, हो गया ठीक है
अच्छा डॉट के और भी तरीके कौन सा है? एक्स डॉट जेड, एक्स डॉट जेड से तो नहीं हो रहा सर, एम और मल्टी एम यू एल इससे आगे से एम आएगा, एम और एम यू एल, एम और फिर एम यू एल, एम यू एल और एक्स एक्स जेड। ये कैसा फंक्शन लग रहा सिर्फ मल में तो सुना था, सिर्फ मल में भी नहीं हो रहा, मल इज नॉट डिफाइंड, एट द रेट से होता है, एक्स एट द रेट जेड। मल जो है वो मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो सही, लेकिन शायद नंपाई के साथ में है। टेंसर फ्लो की बुक में फंक्शन लिखे थे ना, एनपी डॉट मल है वो शायद, है ना। चले मेरा तो जी यहां डॉट ऑपरेशन दिखाया हुआ है, कौन समझाएगा ये समझाना है और ये समझाना है, ये समझाना है और ये फिगर समझानी है। जल्दी से पढ़ें फिर आप में से कोई आ जाए जरा। एक्स और वाई का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और इसको जेड में जो है इसको स्टोर कर रहे हैं, तो यहां पे एक्स के हमने जो है इन सबको बताओ, मुझे तो पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा, एक्स के हमने रॉ ले रही यहां से और ए कॉमा बी है रॉ इनटू कॉटन, और इसी तरह यहां पर हमें बी और सी, ये ब्लू और येलो क्यों किया उन्होंने, तो ये रॉ को हाईलाइट किया है यहां पे, यहां पे कॉलम को हाईलाइट किया है, ठीक है, और इसमें हमने कॉलम यहां पर ये रहा सी बी बी कॉमा सी लिया, यहां पर ए कॉमा बी लिया, यहाँ से वो ए को उठाएगा रॉ को उठाएगा और इधर से सी कॉलम को उठाएगा और इन दोनों को आपस में जो है वो जेड की शेप में डालेगा, यहाँ से रॉ उठाए यहाँ से जो है कॉलम उठाया, ये आई इसकी रॉ हो गई और जे यहाँ से इसका कॉलम हो गया, आई आई को मैं जे में इसको शिफ्ट करा दिया जेड के अंदर, तो यहाँ से ये पॉइंट लिया और ये यहाँ पे जेड के अंदर इसको शिफ्ट करा दिया। सही। अच्छा कोई सवाल पूछे इनसे, भाई इनसे पूछें, या तो तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया या बिल्कुल ही दो सूट हैं, सब समझ में आगे नहीं आया, अब आप लोग बताएं भी। अच्छा असल में बिल्कुल सही ये बात कह रहे हैं, यहां पे इन्होंने किया क्या है कि एक मैट्रिक्स यहां दिखाई साइड में मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स जो है यहां दिखाई, ठीक है, एक्स और वाई। अच्छा एक्स में ये जो ए करके उन्होंने लिखा हुआ है वहां पर दिस पोर्शन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी की सारी क्या है रॉस आ रही है। अच्छा मैं यूं इशारा करता हूँ, सब कहते हैं कॉलम होता है, वही वाला झगड़ा शुरू हो जाएगा सर, रिकॉर्ड्स और फीचर्स, ठीक है, और इन्होंने बी को यूं रिप्रेजेंट किया है सारे के सारे क्या है कॉलम से यूं करके फीचर्स, फिर इसी तरह यहां पर इन्होंने जेड एक लिया है मैट्रिक्स उसके अंदर यू करके उन्होंने इसको बी कहा है। अच्छा बी इसको इसलिए कहा है क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना, पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रॉस क्या होनी चाहिए सेम, इसलिए उसको बी का नाम रखा है, और सी इसकी जो है वो कॉलम्स है वो कितने भी हो जाए। अब ये कह रहे हैं जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास नया मैट्रिक्स बनेगा जेड, जब उसकी शेप चेक करेंगे तो उसकी शेप आएगी ए सी, पहले वाले की रॉस और दूसरे वाले के कॉलम्स जो है, यानी अगर कोई आपसे कहे कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स की शेप क्या आएगी तो आप उन दोनों मैट्रिक्स की शेप देखकर बता सकते हैं कि अगला मैट्रिक्स किस शेप का आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो बड़ा आसान था, ये तो बड़ा आसान था,
दो ही मैट्रिक्स है और 2x2 है। अब जरा आ जाओ 5 डायमेंशनल टेंसर पे। अब बताओ, नहीं खड़े रहो यार। अब ये बताओ, ये 4 डायमेंशनल टेंसर है, उसका डॉट ले रहे हैं वेक्टर के साथ, ये रिजल्ट कैसे कैसे पता चलेगा अगली मैट्रिक्स की डायमेंशन ये होगी? क्या ए बी सी डी डी एस के यहाँ पे वेक्टर हैं, वो डायमेंशन उसको डॉट प्रोडक्ट करवाया डी के साथ, तो ये ए बी सी आया। कैसे सर? डी दोनों में सेम है, डी दोनों का सेम है डी एक्स, तो यहाँ पे जो है वो जब डी के साथ करवाएंगे तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, जुगाड़ ही कर सकते हैं इसकी के यहाँ पर क्या था ए और बी, बी इसमें इक्वल था तो जो सेम था वो रिजल्ट में शामिल नहीं है। इसी तरह इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दे, ए बी सी डी और डॉट लिया डी के साथ, तो जो डी सेम था दोनों में, डी यहां पर से क्या हो गया गायब हो गया, फिर ए बी सी डी और यहां पर है डी ई, क्या कॉमन है डी कॉमन है, तो यहां से आया ए बी सी और यहां से आया ई, तो उसके जो है वो ऑर्डर क्या हो रहा है हमारा कैलकुलेट हो रहा है कि अब इन इन वैल्यूज पर जो जो मेंबर जितने नंबर ऑफ मेंबर्स बैठे होंगे, जितनी इस वेक्टर की जितनी डायमेंशन होंगी उस हिसाब से आप जो है वो नए आने वाला डेटा का ऑर्डर बता सकते हैं। दूसरे वाले में डी कॉमा सी भी होता तो यहाँ से सी एलिमिनेट हो जाता। किसमें किसमें टू डी आप चले गए अल्फाबेट्स के ऊपर, अल्फाबेट्स की जगह आप नंबर रख के सोचे, उन्होंने नंबर नहीं रखे, नंबर क्या रखे 2x2 है और दूसरा भी 2x2। हां तो सर आप कहना ये चाह रहे हैं जितना जो सेम है वो गायब, देखें तो वो एलिमेंट वाइज हो जाएगा सर 2x2 नहीं, हम तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर ही नहीं रहे, हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम यहां ये कह रहे हैं, इधर समझिएगा, हम मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि उसको काट दो भाई, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। हो ये रहा है कि यहां पर ए और बी है और यहां पर बी और सी है, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बी को हमने निकाल बाहर कर दिया, नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगली मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर इस केस में वो होगा कि आपने मल्टीप्लाई करते वक्त किसको देखा, कॉलम और रोज को, ऑर्डर क्या आएगा रोज और कॉलम, ऑर्डर किसमें आएगा रोज, तो वो तो हमने खुद से एक रूल बना लिया है कि यार जो चीज उन दोनों में कॉमन थी, कॉमन का मतलब ये कॉमन नहीं है कि आप बोलेंगे यार वहां पर जो है ना वो कॉमन हो गए, कॉलम कॉमन हो गए, ठीक है। वो ऑर्डर वाले उस रो पर, रो या कॉलम पे मौजूद वैल्यू की बात कर रहे हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं आपस में टेस्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, तो उस वजह से वैसा हो रहा है। अच्छा, टेंसर रीशेपिंग सबको आती है, वेरी गुड। जुगाड़ टेक्निक सिर्फ टेंसर निकालने की, मल्टीप्लाई तो किसी और तरह से ही होगा ना, ऐसे ही। नेक्स्ट क्लास में हम 2.4 ये पढ़ेंगे और तमाम लोग जो है सबको इसके अंदर हम एक डेरिवेशन भी करेंगे ग्रेडियंट बेस ऑप्टिमाइजर की। ये अभी तक हमारे लिए मामला था कि हम सिंगल वेरिएबल नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे और ये मल्टी वेट जो है वो इतनी जल्दी कैसे एडजस्ट कर लेता है, तो वो हम देखेंगे ऑप्टिमाइजर काम कैसे करता है, उसकी पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा भी, आप करेंगे भी, ठीक है। और उसको करने के लिए आपको थोड़ी बहुत अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स आने चाहिए, ठीक है। जिन्होंने बीकॉम भी किया उनको तो डेरिवेटिव आते होंगे और जो साइंस वाले हैं उन्होंने तो पढ़े ही डेरिवेटिव, ठीक
ठीक है, और जिन्होंने कुछ और पढ़ा है अगर इंटर साइंस से किया तो फिर तो डेरिवेटिव भी आते हैं सबको, अगर भूल गए तो रिवाइज करके आइएगा ठीक है, नहीं तो फिर मुझे समझाना पड़ेगा। क्या ऑटो सब चीज ऑटो है भाई, सब चीज ऑटो है जी। 12A ऐसे